हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 सॉल्व करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 95 पे दिया है। यहाँ पे फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ जय हनुमान व्यायाम शाला। यहाँ पे जय हनुमान व्यायाम शाला का औरंगाबाद का आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया है। इसके हेल्प से हमको यहाँ पे क्या बनाना है, लास्ट में इसका क्वेश्चन बोला कि बनाना क्या है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड ऑल्सो बैलेंस शीट एज ऑन सेम डे। तो क्वेश्चन कहीं पे भी दिया जा सकता है, तो पूरा क्वेश्चन देख के आपको फिर करना है। अभी यहाँ पे देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स 2020 का दिया है, इसका मतलब आपका 31 मार्च 2020 का नया बैलेंस शीट बनेगा एंड आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी 2020 का बनने वाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो अमाउंट दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन का, ये है ना, यहाँ पे आप अगर देखोगे, अगर पूरा हम क्वेश्चन जैसे गो थ्रू करेंगे तो यहाँ पे भी हमको है ना बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं है। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए तो जब भी आपको ऐसे नजर रखना है कि इस अमाउंट का एक ही यूज होता है, अगर आपको कैपिटल फंड निकालना है तो ये आप ओल्ड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हो कैश करके, और फिर बाद में आप है ना कैपिटल फंड निकालोगे। तो यहाँ पे हमेशा ये यूज नहीं होता है, लेकिन ये अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो हम इस अमाउंट को यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आगे दिया है कि टू सब्सक्रिप्शन दिया है आपको 2018-19, तो ये प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना 4000 का, मतलब जो रिसीव हुआ है अभी करंट ईयर में रिसीव हुआ है। तो मतलब आप अगर ओल्ड बैलेंस शीट आपको बनाने पड़ा तो ये वाला अमाउंट भी आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके उधर शो करोगे। फिर यहाँ पे 2019-20 का आपको 2,30,000 दिया हुआ है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको दिया है, तो ये जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, और अगर इस पर कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह तो वो हमें ऐड करना है। तो ये कहाँ पे जाएगा, इनकम में जाएगा, ये इनकम में जाएगा, लेकिन इसको हम इनकम में 2018-19 के अमाउंट को हम इनकम के अंडर में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। ठीक है, फिर यहाँ पे डोनेशन दिया है इसको हम इनकम के अंडर में लिखेंगे। देन यहाँ पे आपको रिसिप्ट फॉर एंटरटेनमेंट दिया है, इसको हम इनकम के अंडर में लिखेंगे। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी दिया है 3000, तो ये भी आपका इनकम के अंडर में आएगा। फिर यहाँ पे एंट्रेंस फीस आपको 50,000 दिया है, ये भी इनकम के अंडर में लिखोगे। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया है 1000, ये भी आप इनकम के अंडर में लिखोगे। फिर यहाँ पे देखिए पेमेंट्स में बोला है आपको सैलरी, तो सैलरी को कहाँ पे लिखोगे आप, एक्सपेंडिचर के अंडर में, लाइटिंग एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस चार्जेस एक्सपेंडिचर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे देखिए बाय एक्सपेंसेस फॉर 2018 एंड 19, ये जो 2018 एंड 19 का एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पे करंट ईयर में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे एक्सपेंडिचर के अंडर में, क्योंकि ये हमारा करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, इसके लिए इसको हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब ये यहाँ पे पेमेंट हुआ है 2018-19 का, हमने अब पेमेंट किया है, तो मतलब ये है ना प्रीवियस जो ओल्ड बैलेंस शीट रही होगी वहां पे ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहा होगा, बराबर है, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया देना बाकी रहा होगा, तभी तो अभी 2020 में दे रहे हैं, 2018-19 में हम इसको का पेमेंट है जो 2018-19 का, वो अब 2020 में इसीलिए तो पेमेंट कर रहे हैं कि वो आउटस्टैंडिंग रहा होगा तभी दे रहे हैं, डबल तो नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग अपीयर हो रहा था ओल्ड बैलेंस शीट में, तो मतलब ये हम जब अगर बैलेंस शीट हमको बनानी पड़ी ओल्ड कैपिटल फंड निकालने के लिए तो इसको हम लायबिलिटीज के अंडर में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो आपको इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है कि आपका आपको इस तरीके के जो प्रीवियस ईयर रिलेटेड होते हैं उनका यूज कहाँ होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट दिया है, ये एसेट्स के अंडर में आएगा। फिर आपको है ना 8% फिक्स डिपॉजिट विथ यहाँ पे बोला है वाई अर्बन बैंक लिमिटेड दिया है, तो यहाँ पे ये है ना आपको एफडी, इसको भी एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड करना है। फिर ये जो आपको बैलेंस दिया है कैरिड डाउन, तो ये बैलेंस कैरिड डाउन है जो आपका, ये भी आपको क्या करना है, ये कैश बैलेंस है और ये करंट ईयर का बैलेंस है, करंट ईयर का, इसीलिए इसको नई जो बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे हम एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड करेंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये 8% यहाँ पे बोला, अगर फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट को लेके अगर कोई बात एडजस्टमेंट में नहीं आई तो हमको ये हिडन एडजस्टमेंट कंसिडर करते हुए 50,000
पे 8% दैट इज 4000 आएगा। वैस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और फिर ये 4000 यहाँ पे कैलकुलेट करने पे 4000 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन एफडी दिया हुआ है आपका अमाउंट की रिसीव हुआ 3000, मतलब इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब है ना आपका 3000 रिसीव हो गया है, अभी तक 1000 रिसीव नहीं है, वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी हमको फिर शो करना पड़ेगा। उसका इफेक्ट मैं आपको सॉल्व करने के टाइम पे और अच्छे से बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे 8% 50000 का 8% 4000 होता है, लेकिन एक्चुअल में खाली रिसिप्ट में क्या दिखाई दे रहा है 3000 रिसीव हुआ है, तो मतलब 1000 रिसीव नहीं है, वो है ना ड्यू है, अभी भी बाकी है, तो उसको हमको एसेट्स के अंडर में दिखाना है। 1000 का डिफरेंस हमको एसेट्स के अंडर में, मतलब इसमें 8% फिक्स्ड डिपॉजिट है, इसी में ऐड कर देंगे हम 1000 का, वो हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो एक्चुअल का जो रिसीव हो चुका है वो हम इनकम के अंडर में 3000 दिखाएंगे, प्लस उसमें हम आउटस्टैंडिंग भी दिखाना हमको पड़ेगा, तो इसका मैं आपको सॉल्व करने के टाइम पे और अच्छे से इफेक्ट दिखा दूंगी। फिर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जहां पे बोला कि जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5000 मेंबर्स, उसके कितने मेंबर्स है, जैसे जिम वगैरह आप ज्वाइन करते हो राइट, कहाँ की मेंबरशिप लेते हो, कोई क्लब ज्वाइन करते हो स्पोर्ट्स क्लब, तो वो मेंबर्स ऐसे ही है ना, यहाँ व्यायामशाला में भी है ना मेंबर्स बने हुए, तो 5000 मेंबर्स बने, ठीक है, तो उनको पे करना पड़ रहा है एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस, वो लोग पे कर रहे हैं, तो कितना पे कर रहे हैं, तो 50 रुपीज ईच हर एक बंदा, हर एक पर्सन कितना पे कर रहा है, 50 रुपीज पे कर रहे हैं, तो मतलब 5000 मल्टीप्लाई बाय 50 हम करेंगे तो 2,50,000 आता है, तो हमको ये क्रॉस चेक करना है, 2,50,000 मतलब एक्चुअल में आना चाहिए, तो आपका आउटर कॉलम में 2,50,000 होना चाहिए करंट ईयर का रिसिप्ट, लेकिन यहाँ पे 2,30,000 ही रिसीव हुआ है, तो मतलब ये जो डिफरेंस आएगा ये भी मैं एडजस्टमेंट जब आपको दिखाऊंगी नोटबुक में सॉल्व करूंगी तभी आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये 20,000 का जो डिफरेंस आता है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर का है, तो इस करंट ईयर के अमाउंट को आपको फिर कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इसको आपको नए बैलेंस शीट में जो 20,000 का आउटस्टैंडिंग है वो सब्सक्रिप्शन आपको शो करना पड़ेगा, तो इस तरीके से इसका दो इफेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड बोला कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, तो 12,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो आप क्या करोगे, इसको सैलरीज में आप ऐड करोगे और दूसरा इफेक्ट आप इसको लायबिलिटीज के अंडर में शो करोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ऑन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का ईयर की बात हो रही है, तो मतलब 1 अप्रैल बोले तो ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बोले तो आप ओल्ड बैलेंस शीट बोल सकते हो, पुरानी बैलेंस शीट की जो अमाउंट है, तो वो यहाँ पे आपको लैंड एंड बिल्डिंग का 70,000 दिया है, फर्नीचर का 45,000 दिया है, इसका रीजन क्या है देने का, यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है, अगर कैपिटल फंड नहीं दिया तो आप है ना बैलेंस शीट नहीं तैयार कर सकते हो करंट ईयर की, राइट, तो ये अमाउंट आपको इसीलिए दिए है कि आप ताकि कैपिटल फंड निकाल सको, कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आपको कैपिटल फंड निकालना है करके ये आपको अमाउंट दिया गया, क्योंकि आपको यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट दी भी नहीं है, ठीक है, अगर दी होती तो उसमें से हम कैपिटल फंड उठा के हम दिखा देते, लेकिन यहाँ पे दी नहीं है इसलिए ओल्ड बैलेंस शीट तैयार करोगे, तो कौन कौन से अमाउंट लोगे, ये लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट आप है ना नए बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करोगे और ओल्ड बैलेंस शीट में भी करोगे, फर्नीचर का भी आप नए बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करोगे, ओल्ड बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करोगे, लेकिन ये डेप्रिसिएशन है ना अबव एसेट्स ये खाली आप है ना न्यू बैलेंस शीट में करोगे, जो करंट ईयर की बैलेंस शीट है उसमें ही रिकॉर्ड करोगे 10% का डेप्रिसिएशन, ठीक है। और उसका सेकेंड इफेक्ट आप कहां पे दिखाओगे, एक्सपेंडिचर में दिखाओगे, लेकिन ये जो 70,000 और 45,000 का अमाउंट है फर्नीचर का, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों भी जगह पे आएगा, नए और पुरानी दोनों बैलेंस शीट में आएगा, इसके अलावा आपको ओल्ड बैलेंस शीट में यहां से भी अमाउंट उठाने पड़ेंगे। जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना वो कैश बैलेंस होता है ना, ओपनिंग यहाँ पे जो रिसिप्ट के अंदर जो दिया है ब्रॉड डाउन, ये आपका कैश बैलेंस है, तो ये भी आपको लेना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ओल्ड बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, तभी आप कैपिटल फंड निकाल पाओगे बैलेंसिंग फिगर। फिर मैंने एक और अमाउंट की बात की थी यहाँ पे, ये जो एक्सपेंसेस फॉर 2018-19 मतलब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था तभी तो ये अभी पेमेंट हुआ, ये मैंने बात की डिस्कस की डीपली हमने, तो इसको भी आप क्या करने वाले हो, लायबिलिटीज के अंडर में ओल्ड बैलेंस शीट में लिखोगे, फिर आप डिफरेंस फाइंड आउट करते हुए कैपिटल फंड निकालोगे, तो इस तरीके से इन अमाउंट का आप यूटिलाइजेशन करोगे। तो थर्ड एडजस्टमेंट हमने रीड कर लिया, अभी आते हैं फोर्थ पे, इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 2000, मतलब अभी भी बाकी इन्वेस्टमेंट पे 2000 रुपया मिलना बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है इसमें ऐड करोगे आप 2000, ठीक है, और फिर उसका ये आउटस्टैंडिंग जो बाकी है इसको भी आप कहाँ पे दिखाओगे, एसेट्स के अंडर में इसको शो करोगे, आपको एसेट्स के अंडर में इसको शो करना है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना इसमें आप ऐड कर दोगे इस 2000 को।
तो दो इफेक्ट, एक तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट में आप ऐड करोगे 2000 एज वेल एज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो 1,50,000 है वहां पे भी आपको इसको ऐड करना है। तो दो इफेक्ट इसका इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको बोला है 50% एंट्रेंस फीस, 50% एंट्रेंस फीस एंड 60% डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज। इसलिए देखो मैंने आपको प्रीवियस सब में भी बोला था कि डोनेशन एंड ये सब जो भी आता है ना पहले आप है ना इनकम के अंडर में लिख लो, बाद में अगर आपको कोई कैपिटलाइज करने बोला है तो आप है ना कैपिटलाइज को वहां पे दिखाओगे और माइनस करते हुए फिर आप उसका कैपिटल जितना कैपिटलाइज किया उतना अमाउंट आप बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर कैपिटल फंड में ऐड करते हो। तो यहाँ पे ये डोनेशंस पे एडजस्टमेंट आने वाला है और एंट्रेंस फीस पे भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी पे भी आएगा। मैंने क्योंकि इसमें ना यहाँ पे कोई रिलेटेड बोला ही नहीं है, अगर आप 8% 50,000 पे निकालते हो ठीक है तो आपको 4,000 आता है ना कि 3,000, तो इसका मतलब 4,000 आता है, मतलब 4,000 मिलना चाहिए लेकिन रिसीव 4,000 नहीं हुआ, रिसीव कितना हुआ ओनली 3,000 हुआ, मतलब 1,000 अभी भी पेंडिंग है। तो वो आउटस्टैंडिंग आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी करके 1,000 ऐड करना है। दूसरा यहाँ पे जब आप 8% का फिक्स डिपॉजिट दिखाओगे वहां पे भी उसको आपको ऐड करना क्योंकि वो स्टिल आउटस्टैंडिंग है करके, इसलिए आउटस्टैंडिंग जितना आपका अमाउंट है 1,000 वो यहाँ पे भी आपको ऐड करना होगा। तो इस तरीके से आपको इफेक्ट दिखाने हैं और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपको ओल्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी ताकि ओपनिंग बैलेंसेस को यूज करते हो, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बोल सकती हूँ मैं, ओल्ड बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2019 को क्या क्या इफेक्ट दिख रहे होंगे बैलेंस शीट में वो दिखाने के लिए हम और उसमें से फिर हम बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड निकालेंगे। तो हम है ना वन बाय वन मेरा फॉर्मेट रेडी है। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट है यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और रिसिप्ट से हम पहले शुरुआत करेंगे और यहाँ से जब हम एक 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 अमाउंट पहले रिसिप्ट के सारे हम एक 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 पिकअप करके हम नोटबुक में मतलब नोट डाउन कैसे करते हैं वो मैं आपको शो करूंगी, तो केयरफुली देखना और उसकी प्रैक्टिस भी आप भी उसी तरीके से करना। आप अगर रूल्स फॉलो करोगे प्रैक्टिस के भी मेथड फॉलो करोगे तो उससे आपको ईजी लगेगा, सम डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। ऑर्डर में जाते हैं हम, सिक्वेंस में जाते हैं, सीरीज में जाते हैं तो उससे हमको तकलीफ नहीं होती है, हम जो सिली मिस्टेक्स होने वाली रहती है उसको अवॉइड कर सकते हैं ऐसे करने से, ठीक है। तो चलिए हम वन बाय वन हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें रिसिप्ट के अंडर में बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है वो हमको लेना है, उसका रीजन है हम हमेशा नहीं लेते हैं, जब हमारे पास कैपिटल फंड नहीं होता तब लेते हैं। तो यहाँ पे जो ओल्ड बैलेंस शीट हमको मतलब जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, मैंने यहाँ पे जगह उसके लिए स्पेस रखी है तो वहाँ फॉर्मेट रेडी करके रखा है, तो वहाँ पे पहले हम इस अमाउंट को रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे लायबिलिटीज है, यहाँ पे अमाउंट रुपीज और यहाँ पे एसेट्स। तो ये एक क्विक बोलते हैं ना हमको कैपिटल फंड चाहिए तो एक क्विक हम वर्किंग नोट इलस्ट्रेशन नंबर 13 का वर्किंग नोट हम रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसेट्स के अंदर में कैश, हम इसको कैश करके रिकॉर्ड कर लेंगे 32,800 को इस तरीके से 32,800 रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद में हमको क्या दिया है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे सब्सक्रिप्शन को हम इनकम के अंडर में लिखने वाले हैं, तो हम बाय सब्सक्रिप्शन करके और इसका जो 2,30,000 का अमाउंट है वो ही हम लेंगे बाय, क्योंकि यहाँ पे बायफर्केट करके दिया हुआ ही है। तो यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन और इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, बाय सब्सक्रिप्शन 2,30,000 इस तरीके से और आउटस्टैंडिंग है इसलिए एक लाइन भी मैंने लीव की है इसके लिए। फिर यहाँ पे जो आपको जो रिसिप्ट के साइड में डोनेशंस दिया है अभी डोनेशंस को पहले रिकॉर्ड कर लेंगे, ये बाद में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना इसको भी हमको लिखना है जो 2018-19 का है, क्योंकि क्वेश्चन रीड करने पे हमें पता था कि हमको ओल्ड है ना बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी वर्किंग नोट के लिए, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो हम यहाँ पे ओपनिंग के यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमारा कैपिटल कैलकुलेशन है और ये बैलेंस शीट कब के लिए है हमारी, बैलेंस शीट ये बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2019 के लिए हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 4,000 इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमको क्या कर दिया है यहाँ पे डोनेशंस दिया है, तो डोनेशंस को मैंने हम आपको बोला है हमेशा पहले है ना आप इनकम के अंडर में लिखो, तो बाय डोनेशंस यहाँ पे लिख लो इनकम के अंडर में
जब अगर इसमें यह है ना कैपिटलाइज्ड वर्ड पहले से यूज किया हुआ था तो आप डायरेक्ट वहां पे दिखा देते किसमें, रिसिप्ट में, लेकिन रिसिप्ट में ओनली डोनेशन वर्ड है ना, तो आप इसको डोनेशंस को इनर कॉलम में यहाँ पे इस तरीके से लिख के रख लोगे 60,000, आपको पता है इस पे कैपिटलाइज होने वाला है। देन रिसिप्ट दिया है तो रिसिप्ट, ये बाय रिसिप्ट एंटरटेनमेंट की, तो बाय रिसिप्ट फ्रॉम, रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ₹40,000 आउटर कॉलम में दिखा दो इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे है ना दिया है इंटरेस्ट ऑन एफडी, तो इंटरेस्ट ऑन एफडी बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, इस पर भी हम क्वेश्चन रीड कर रहे थे तो हमने देखा था कि इस पर एडजस्टमेंट है ना, क्योंकि ये इस पे आउटस्टैंडिंग आने वाला है, तो इसको भी आप क्या करोगे इनर कॉलम पे इंटरेस्ट ऑन एफडी को क्या करोगे इनर कॉलम में ही इसको लिख लोगे 3,000 को इस तरीके से, ठीक है, एक लाइन लीव कर दोगे। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है जो इनकम में दिया है वो एंट्रेंस फीस दिए, तो बाय एंट्रेंस फीस लिखोगे, और ये भी कैपिटलाइज होने वाला है इसमें से भी, तो इसको इनर कॉलम में लिख लोगे बाय एंट्रेंस फीस, और इसका जो अमाउंट है आपका 50,000 वो लिख लोगे इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो दिया है वो है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इसको भी आपको इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि एडजस्टमेंट में इसके भी है ना आउटस्टैंडिंग दिखाया है हमको कि इस पे भी आउटस्टैंडिंग है, इनकम फॉर, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसको भी इनर कॉलम में आप 1,000 इस तरीके से लिख लोगे। तो इस तरीके से जितने भी आपके रिसिप्ट साइड के अमाउंट थे वो आपने रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब क्या करेंगे पेमेंट साइड में जाएंगे, तो पेमेंट में सबसे पहले सैलरी दी हुई है, तो सैलरी पे भी हमने क्वेश्चन रीड कर रहे थे तो हमने देखा था कि इस पे आउटस्टैंडिंग आने वाला है, तो ये जो टू सैलरी आप लिखोगे इसके बाद में इसका है ना आप क्या करोगे आउटर कॉलम में लिखने के बजाय इसको इनर कॉलम में ही 32,800 आपका जो सॉरी 50,000 दिया हुआ है, नॉट 32,800, आपको 50,000 यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे आपका 50,000 आएगा, ये मैं थोड़ा ड्राई होने देती हूँ फिर लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लीव करनी है। फिर नेक्स्ट आपका है ना लाइटिंग है, तो लाइटिंग टू लाइटिंग करके आप लिखोगे, और इस पर कोई एडजस्टमेंट आपका नहीं है, लाइटिंग पे आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए इसको आप आउटर कॉलम में 10,500 लिख दोगे, ये लिखना बाकी है ड्राई हो जाए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस है, तो आप क्या करोगे टू जनरल एक्सपेंसेस लिख दोगे, और इस पे भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए आप इसको क्या करोगे इसको आउटर कॉलम में लिख दोगे जनरल एक्सपेंसेस को 20,000 जो दिया है उसको, ठीक है 20,000। फिर नेक्स्ट आपको मेंटेनेंस चार्जेस दिया है, तो टू मेंटेनेंस चार्जेस भी लिख दोगे, मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे लिख दोगे 40,000। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दिया है, तो 35,000 वो भी लिख दोगे टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आप लिख दोगे यहाँ पे 35,000, इस तरीके से आपका 35,000 आ गया। फिर नेक्स्ट आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी आप आउटर कॉलम में दिखाओगे, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप यहाँ पे आउटर में 7,000 इसका जो दिया है वो अमाउंट लिख दोगे। इसके बाद में आपको एक्सपेंसेस जो दिया वो 2018-19 का है, तो मतलब आपको क्या करना है ये आपका 2020 की इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे नहीं दिखाना उसको, आपको क्या करना है फिर जो ओल्ड बैलेंस शीट है वो हम जो ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आपको एक्सपेंसेस है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, मतलब आपका ओल्ड उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके आप यहाँ पे 25,000 रिकॉर्ड कर लोगे। करंट ईयर का इससे कोई रिलेशन नहीं, करंट ईयर में खाली रिसीव हुआ है, ठीक है। फिर आपका ना बाय इन्वेस्टमेंट दिया, तो आप कहाँ लिखोगे इसको बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में इन्वेस्टमेंट
तरीके से आप क्या कर लोगे, इन्वेस्टमेंट को लिख लोगे। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी आप इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या आने वाला है आपका आउटस्टैंडिंग जो एक्रूड बाकी है ना 2000 का, जो एडजस्टमेंट में दिया है हमको, वो हमको दिखाना है यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कि 8% का FD, तो यहाँ पे आप है ना 8% के FD को भी इनर कॉलम में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट पे भी एक बाकी है फिक्स डिपॉजिट। क्वेश्चन रीड करते वक्त भी मैंने आपसे कहा था 50,000 पे 8% जब कैलकुलेट करेंगे तो मैं दिखाऊंगी 4,000 आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, ये FD है ना, ये पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं कि विथ वाया अर्बन बैंक लिमिटेड, इतना बड़ा यहाँ पे स्पेस भी नहीं होगा, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो और यहाँ पे एक लाइन यू कर सकते हो। देन यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन दिया है, वो आपका कौन सा बैलेंस है, वो करंट ईयर का कैश इन हैंड है वो, तो आप कैश इन हैंड, क्योंकि कैश एट बैंक नहीं बोला है तो वो कैश इन हैंड ही है, करंट ईयर का है, तो उसको 33,300 आप इस तरीके से आउटर कॉलम में लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका सब हो गया। अब आओगे आप एडजस्टमेंट पे, तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले आपको है ना पहला एडजस्टमेंट दिया 5,000 मेंबर्स, तो यहाँ पे आपको मैं एज अ वर्किंग नोट मैं आपको दिखाऊं, एज अ वर्किंग नोट, ये जो वर्किंग नोट है आपके इलस्ट्रेशन नंबर 13 की है, किसकी, इलस्ट्रेशन नंबर 13 की वर्किंग नोट है, उसमें आपका पहला वर्किंग नोट में आप एडजस्टमेंट के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय सब्सक्रिप्शन पेड बाय ईच, तो यहां पे आपको बता टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 5,000 है और सब्सक्रिप्शन पेड बाय ईच इज 50 रुपीज, तो इन सबको जब आप करते हो तो ये 4,000 आप एज इट इज पहले लिख लो 1, 2, 3, 4, ठीक है, और फिर 5,000 25, तो इस तरीके से 25, तो ये 2,50,000 है ना, ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, लेकिन आपको करंट ईयर में 2,50,000 रिसीव हुआ है क्या, नहीं हुआ है, राइट। आपको कितना रिसीव हुआ, आपको 2,30,000 ही रिसीव, मतलब आपको करंट ईयर में आना चाहिए 2,50,000, कितना आना चाहिए 2,50,000, आपने कैलकुलेशन किया उस हिसाब से 2,50,000, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 2,50,000 माइनस 2,30,000 का डिफरेंस जो है वो कितना आता है 20,000 का आता है, ये जो दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इनका क्या DIFF लिखती हूँ मैं, तो इनका डिफरेंस जो है वो कितना है 20,000 है, तो ये 20,000 क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ करंट ईयर का। इस तरीके से आपको आउटस्टैंडिंग यहाँ पे फाइंड आउट करना है, देख के डरना नहीं है बाबा, प्रैक्टिस से आ जाने वाला है, मुझे पता है बच्चे को थोड़ा सा ऐसे होते हैं अरे मिस क्या, नहीं कुछ नहीं, ये सब आ ही जाता है अपने आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से 20,000 का, तो इसका इफेक्ट जो है हम कहाँ पे, ये 20,000 का इफेक्ट हम जो न्यू बैलेंस शीट है उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हम 20,000 आउटो कॉलम में दिखा देंगे, ये करंट ईयर का है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट ये आउटस्टैंडिंग सैलरी की बोले, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे मेरा 50,000 लिखना बाकी था, राइट, मैंने बाय मिस्टेक लिए अमाउंट गड़बड़ लिख रही थी, तो ये वाइटनर लगाया था, ये 50,000, अब यहाँ पे ऐड सैलरी, इसलिए आप कुछ करो ना चेंजेस, तो फिर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, एक्चुअली आप लोगों को वाइटनर लगाना अलाउड नहीं है एग्जाम में, आपको कैंसिल करके लिखना पड़ता है, इसलिए पहले से ध्यान से लिखना है 12,000, तो 50,000 प्लस 12,000 कितना होता है 62,000, और ये जो 12,000 का इफेक्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी का, वो आपको लायबिलिटीज के अंडर में जो नई लायबिलिटी आप बैलेंस शीट आप बना रहे हो, बैलेंस शीट यहाँ पे नेम नहीं लिखा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, करंट ईयर की बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे आप दो तीन चार लाइन छोड़ दो कैपिटल फंड वगैरह के लिए, यहाँ पे नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एक्सपेंसेस है, बार बार मैं हर बार रिपीट करती हूँ, एक्सपेंसेस है, इसीलिए हम लायबिलिटीज के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है इसलिए लायबिलिटीज के अंडर में लिखते हैं, जब भी आउटस्टैंडिंग इनकम होती है, बकाया मिलने वाली इनकम है जो मिली नहीं है, तो वो हम एसेट्स के अंडर दिखाते हैं, और आउटस्टैंडिंग जो भी लायबिलिटीज होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब हम कहाँ पे दिखाते हैं, लायबिलिटीज के अंडर में, तो 12,000 यहाँ पे आउटर कॉलम में इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको है ना थर्ड एडजस्टमेंट जो दिया है, उसमें ना आपको सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए एसेट्स के, तो वो ओपनिंग बैलेंसेस जो फिक्स्ड एसेट्स है वो इसके अंडर में भी आएंगे, आपकी जो बैलेंस शीट है ना नई बना रहे आप,
तो लैंड एंड बिल्डिंग, और इस पे डेप्रिसिएशन भी उन पे बोला है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में है, दिया है हमने रीड करने पे, ये सब रीडिंग से पता चल जाता है। तो आपको इसके लिए लाइन लीव करनी है, 70,000 दिया है और एक लाइन लीव करनी है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हम है ना नए बैलेंस शीट में ही करेंगे, ये पुराने बैलेंस शीट जो बनाएंगे उसमें तो हम हमारा ऑलरेडी एडजस्टमेंट वाला ही अमाउंट है, ये 45,000 इस पे भी है। उस तरीके से लिख लिया। अब ये जो पुराना मैंने बना के रखा है यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्ड कर लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, और इसको 70,000 यहाँ, और फर्नीचर का 45,000 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और अभी यहाँ पे इससे रिलेटेड और कुछ आगे हमको दिखाई नहीं दे रहा है, सब करंट ईयर रिलेटेड ही है, फिर भी बाद में लास्ट में रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो आपको भी हैबिट हो जाएगी, दो चार अमाउंट कर दिए फिर टोटल मार देंगे, है ना। तो बेटर ये हो गया। 10% का डेप्रिसिएशन चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे भी माइनस डेप्रिसिएशन करना है आपको, और 10% का। अभी देखिए 70,000 का 10% कितना होता है, 70,000 का 10% 7,000 होता है, आई होप मुझे ये दिखाने की जरूरत नहीं है, 63,000, और 45,000 का 10% कितना होता है, 4,500, माइनस करोगे तो 40,500 इस तरीके से आपका ये अमाउंट है। अब ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट आपको क्या करना है, यहाँ पे लेके जाके कहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा आपका इसको अंडरलाइन कर लो, दूसरा क्या है फर्नीचर, दोनों पे डेप्रिसिएशन हुआ है, इस पे 7,000 दिखा देती हूँ 7,000 कैसे आया, नहीं तो कुछ बोलेंगे मिस भाग गए फटाफट, मिस ने कंप्लीट नहीं कराया हूँ, तो इस शो कर ही देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब, ठीक है, 70,000 का 10% मतलब 10/100, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया। तो अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है जैसे जैसे, तो आप वर्बली भी कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो, तो 7,000 आता है। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो 45,000 है, उस पे 10% मतलब 10/100, ओके, अबोव एसेट मतलब दोनों भी एसेट पे, एडजस्टमेंट में अबोव एसेट बोला ना, तो मतलब दोनों भी एसेट्स पे आपको करना है, इनका टोटल करेंगे तो 11,500, ये 11,500 आपने एक्सपेंसेस के अंदर में रिकॉर्ड किया, और ये दोनों का माइनस किया आपने, बिल्डिंग में से 7,000 और फर्नीचर में से 4,500, इस तरीके से इसका इफेक्ट होता है। फिर इनकम में एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट बोला है, तो इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ पे एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपको प्लस आउटस्टैंडिंग यहाँ पे भी करना है आपको, और इसका दूसरा एक्रूड इनकम जो बकाया इनकम है, एक्रूड इनकम कितना दिखाया है 2000 बोला है, तो यहाँ पे 2000 और इसका आउटर में डाल देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 3000, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी ऐड बैलेंस शीट में कर रही हूँ ना, एक्रूड इन्वेस्टमेंट इनकम, इनकम है ये, ठीक है, 2000, तो ये 1,52,000। नेक्स्ट देखिए आपको 50% आपको बोला एंट्रेंस फीस एंड 60% डोनेशंस कैपिटलाइज करना है, तो यहाँ पे देखते हैं माइनस इसको कैपिटलाइज करना है, माइनस 50% कैपिटलाइज्ड, 50% कैपिटलाइज्ड, अभी शायद ये वर्बली कर सकते हो, 60,000 का आधा कितना होता है, 60,000 का हाफ कितना होता है, 30,000, यहाँ से 30,000 आप माइनस करोगे, आउटर में 30,000 दिखा दोगे, फिर यहाँ पे एंट्रेंस फीस में से कितना माइनस करने बोला आपको, एंट्रेंस में से पहले इसको लिख लो ये, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कैपिटल फंड में, तो कैपिटल फंड अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया है, हमने बैलेंस शीट बना के रखी लेकिन उसको क्लोज डाउन नहीं किया, कैपिटल फंड, फिर ऐड इधर क्या होना चाहिए, 50% डोनेशन,
60,000 का 50% मतलब 30,000, आधा 30,000, फिर ऐड इसमें और क्या करना है हमको, अगला ये बोला है हमको कैपिटलाइज करने एंट्रेंस फीस को, और डोनेशन को 60% बोला था एंड 50% एंट्रेंस फीस को, उल्टा उल्टा किया ये वाला, यहाँ पे करेक्शन करना है आपको, ये 50 ने 60% आपको डोनेशन करना है। कैलकुलेशन स्टेटमेंट जब एक साथ होता है तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, राइट। तो ये सब गड़बड़ हो जाती है। 36,000 है, कितना होगा ये 60% कैपिटलाइज, मतलब 60,000 का 60% 36,000 होगा, तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा 24,000, ये यहाँ पे माइनस करने पे आपको 24,000, मैंने 50% ले लिया। एंट्रेंस फीस जो 50% है वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी, किसमें, डोनेशंस में। एक्चुअली 50% कहाँ पे है, 50% यहाँ पे है, तो एंट्रेंस फीस 50% कैपिटलाइज्ड, तो 50,000 का 50% 25,000 होता है, माइनस करेंगे आउटर कॉलम में 25,000, और ये 25,000 का रिकॉर्ड हमको कहाँ दिखाना है, डोनेशंस में, यहाँ पे भी 36 हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना 60% कैपिटलाइज्ड हुआ है इसीलिए, और ये 50% एंट्रेंस फीस। जरा सी नजर हटते ही प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे ये 61,000, ये बाद में टोटल करेंगे कैपिटल फंड के बाद में, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना है आपको, हाँ, ये 60% कैलकुलेट करना था, 50% किया मैंने, 60% का 60,000 का 60% मतलब 60,000 मल्टीप्लाई बाय 60 करूँ, यहाँ पे दिखा दूँ आपको, डोनेशंस 60% को हमने कैपिटलाइज किया, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 60/100 करेंगे, तो ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 30 एज इट इज पहले लिख लो, और 6 6 36, तो ये लियो 36,000 हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से आपका 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज किया है, एंट्रेंस कैपिटलाइज्ड, तो 50,000 का 50% मतलब 50/100, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो और ये जीरो गया, तो 30 एज इट इज लिख दो, 5 5 25, तो इस तरीके से ये आता है, ठीक है। वर्बली भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। अभी हमें क्या कहते हैं, यहाँ पे ये बैलेंस शीट का है ना, ये भी हम कर लेते हैं, जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनाई है, ताकि हमको कैपिटल फंड मिल जाए हमको, क्योंकि कैपिटल फंड नहीं मिलेगा तो हम बैलेंस शीट को भी नहीं क्लोज डाउन कर सकते नई वाली को, है ना। तो अब यहाँ पे जब आप ये सारा टोटल करोगे तो आपको कितना आएगा, 0 0 और ये 8 2 + 4 6 6 + 5 कितना था, 11 होता है, तो 1 कैरी ओवर 1 किया, 1 + 3 4 4 + 7 11 11 + 4 15, तो 151,800, ठीक है। तो ये सेम यहाँ पे भी लिखेंगे 151,800, इसमें से आपको 25 माइनस करना है, आप चाहिए तो रिवर्स कर सकते हो, ये बड़ा अमाउंट है ना, यहाँ से 0 - 0 किया 0 0 - 0 0, 8 - 0 किया तो 8 आ गया, ठीक है। फिर 1 - 5 तो पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे ये कैंसिल करोगे आप और इसको 4 कर दोगे और ये 11 हो गया, 11 - 2 किया तो 11, यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 - 5 नहीं हो सकता ना, तो 11 - 5 किया तो कितना, 6 होता है, ठीक है। फिर 4 - 2 किया तो 2 और 1, तो 1,26,800 क्या होता है, कैपिटल फंड है, ये क्या है, कैपिटल फंड है, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, क्या है, बैलेंसिंग फिगर, हमने इसको बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है, एसेट्स का टोटल किया पहले और उसमें से माइनस कर दिया जितना भी यहाँ पे था लायबिलिटीज के अंडर में, तो ये बचा हुआ जो है ना वो बैलेंसिंग फिगर हुआ, वो 1,26,800 हमारा कैपिटल फंड है, तो इसको हमको कहाँ दिखाना है, हमारी जो बैलेंस शीट बनाएंगे नई वाली बना रहे, 1,26,800 इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा दोगे इसको, 1,26,800। फिर ये देखिए, ये जो 8% फिक्स्ड डिपॉजिट है उस पर जब हम कैलकुलेट करेंगे, हमको इस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, ये है ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट है, क्या बोलते हैं हम इसको, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट बोलते हैं,
तो इस पे है ना हमको क्वेश्चन में है ना 3000, हमको क्वेश्चन में यहाँ पे जो 3000 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, ये देखिए यहाँ पे हमने बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 3000 रिकॉर्ड किया, राइट। तो ये 3000 ही रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो 4000 का आना चाहिए। वो 4000 कैसे आता है मैं आपको है ना वर्किंग नोट में दिखाती हूँ कि 4000 कैसे आएगा। ये जो हमारा जो यहाँ पे हमें फिक्स्ड एफडी जो दी है वो 50,000 की है, क्या है उसके ऊपर 8% वाली एफडी, 8% वाली एफडी है और उसका अमाउंट है 50,000। कितना है 50,000 उसका अमाउंट है, तो उसपे हम जब 8% कैलकुलेट करते तो 8/100 आप करोगे तो आपको 0,0 और ये 0,0 कैंसिल, तो टोटल 4,000 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 4,000, लेकिन यहाँ से हमारे पास रिसिप्ट के अंदर ओनली 3,000 हमको दिखाई दे रहा है। रिसिप्ट में हमारे पास कितना दिखाई दे रहा है, कितना विजिबल है, ओनली 3,000 रिसिप्ट में विजिबल है। मतलब ये 1,000 जो इसका डिफरेंस है, 4,000 माइनस 3,000, ये 1,000 का हमारा क्या है, ये आउटस्टैंडिंग हुआ। फिर ये क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ। तो इसको हमको इसको रिकॉर्ड करना है, हमको एक तो एफडी में इसको ऐड करना है 1,000 को, दूसरा है ना ये जो इंटरेस्ट हमको रिसिप्ट में दिया था उसको हमने इनकम के अंडर में लिखा है, वहां पे भी हमको ये 1,000 क्या करना है, ऐड करना होगा। तो इस तरीके से इसका टोटल 4,000 आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 1,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हुआ, ये क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हुआ 4,000, ठीक है, ये 4,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हुआ। फिर उसके बाद में इसको सेकेंड हमको कहाँ पे दिखाना है, इसको सेकेंड हमको यहाँ पे भी इंटरेस्ट यहाँ पे हम दिखाएंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000। तो ये यहाँ पे टोटल हमारा 51,000 आउटर में इस तरीके से चला जाएगा। तो इस तरीके से सारे हमको क्या कर देने, सब एडजस्टमेंट हमको सारी इधर शो कर देने हैं। सब हो जाने के बाद में अभी ये हमने जितने भी कैलकुलेट करना था ये सब सब कर लिया। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारा ये साइड है क्रेडिट साइड टोटल करेंगे और हम डेबिट साइड का भी टोटल करेंगे। तो जब हम डेबिट साइड टोटल करते हैं, जब हम डेबिट डेबिट साइड का जब हमको टोटल करना है तो उस वक्त हमारे पास में यहाँ पे हम जब इसका टोटल करेंगे तो हमें कितना आता है, देखो 0 0 और 5 प्लस 5 10, तो 0 कैरी ओवर 1 और 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 कितना होता है 15, 15 प्लस 1 16 होता है, ठीक है 6 लिखेंगे, कैरी ओवर 1 किया और फिर 1 प्लस 6 कितना होता है 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 3 कितना होता है 17, 17 प्लस 1 18, तो यहाँ पे 1,86,000 हमारा टोटल आता है। और जब हम ये टोटल करते हैं तो हमारा ये जब पूरा टोटल आप करोगे, इसको भी जब आप पेंसिल से टोटल करते हो, यहाँ पे आप पेंसिल से करके देखोगे कि आपका पेंसिल से कितना आता है। तो जब आप इसको पेंसिल से टोटल करते हो तो यहाँ पे आपको टोटल करने पे 0 0 0 और यहाँ पे 4 प्लस, ये 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 कितना होता है 13, 13 प्लस 3 16, तो 16 का 6 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 5 कितना होता है 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 14, 14 14 यहाँ पे कितना होगा एक मिनट ना, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 कितना होता है 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे और कैरी ओवर क्या करेंगे 1, 1 प्लस 2 3, तो 3, तो 3,46,000 होता है, कितना होता है 3,46,000 होता है। और ये साइड में हमको जो है वो 1,86,000 मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट साइड है वो मोर है और हमारा जो डेबिट साइड है वो लेस है। तो मतलब हमको क्या करना है, 3,46,000 दोनों साइड में लिखना है। तो दोनों साइड में टोटल हम 3,46,000 लिख लेंगे और ये जो पेंसिल से इसको, जो पेंसिल से हमने लिखा है उसको रब कर देते हैं, इसको अभी रब कर देते क्योंकि हमको दोनों साइड में टोटल 3,46,000 लिखना है। वो लिखा, अब 3,46,000 में से आप क्या करोगे, यहाँ पे आप साइड में चाहिए 3,46,000,
ठीक है, 3,46,000 माइनस आप क्या करोगे 1,86,000। तो जब आप ये माइनस करते हो तो आपको बैलेंसिंग फिगर 6 - 6 = 0, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं दिख रही है, आप माइनस करोगे तो आपको 1,60,000 आएगा। तो आप क्या लिख लोगे, रब कर दोगे और यहाँ पे 1,60,000 आप क्या करोगे, आपका बैलेंसिंग फिगर, और ये आपका क्या होगा, ये आपका 1,60,000 जो है वो आपका टू सरप्लस होगा, इसको टू सरप्लस और ये टू सरप्लस होगा, और इसको हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ, ये क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हुआ, तो ये एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हमने लिखा। और ये वाला भी हमको क्या करना है, इसको हमको टोटल कैपिटल फंड में इसको क्या करना है, टोटल करना है। तो कैपिटल फंड में हम इसको 1,60,000 को लिखेंगे, तो उसके बाद में इसको सब टोटल करेंगे तो हमको 3,47,800 आएगा। 3,47,800 और ये 12,000 जब आप करोगे तो आपको 3,59,800, आप यहाँ पे 3,59,800 लिख लोगे, और ये साइड में भी फिर आप जब टोटल करते हो तो आपका सेम उतना ही 3,59,800 आना चाहिए, तो 3,59,800। तो इस तरीके से आपका ये पूरा इसका इफेक्ट दिख जाएगा। बैलेंस जब आपके सेम होंगे, दोनों भी साइड में इक्वल होंगे, तो मतलब आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, तो मतलब आपका ओवरऑल ये जो पूरा सम है वो करेक्ट हो गया। तो आपको ये बैलेंसेस को जब भी हम इधर से उधर देख रहे तो उनको बहुत ध्यान से करना है, थोड़ा सा भी मतलब आगे पीछे हुआ तो फिर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाएगी, तो वो उसका आपको ध्यान देना है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हमें चैनल को पॉपुलर बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारे सॉल्यूशंस पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।